हेलो भाई, हाइड्रा में न्यू रोस्टर देखने को मिलेगा? एनी चेंजेस इन लाइनअप? हिंट ब्रो. ऑफ कोर्स यार, चेंजेस तो जरूरी है ना. हर कोई चेंजेस, सारी सारी दुनिया चेंजेस करती है, सारी ऑर्ग्स चेंजेस करती है अपने लाइनअप में. कोई किसी को निकाल देता है तो कोई किसी को रखता है, फिर कोई कोई और नए लोग ऐड करता है. तो ये तो भाई बड़ी, दिस इज वेरी कॉमन यार. सो डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस, उसका हम लोग भी वोचेस करेंगे. ऑब्वियसली बात है, हाइड्रा का परफॉर्मेंस लो चल रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्या? प्लीज बताओ डायनो ब्रो. चलता है गाइस यार. वैसे भी देखो, 24 मैचेस में से हमें टॉप 16 आना है. ओके, टॉप 16 हम लोग आ जाएंगे. एंड प्लेयर्स अभी हमारे ट्रैवल कर रहे हैं. गोवा में थे ना वो लोग, गोवा में मजे कर रहे थे, तो अभी ट्रैवल कर रहे हैं. तो अभी पता नहीं यार, मेरे हिसाब से टूर्नामेंट के पहले ट्रैवल कर लेना चाहिए था, बट आई डोंट नो टूर्नामेंट के बीच में और पहले पहले कैसे ट्रैवल कर रहे हैं. तो चलो, इस बारे में तो हम बाद में बातचीत करेंगे बोल रहा हूँ उनसे, तो देखा जाएगा क्या हो सकता है उसका. बट जो भी होगा, जैसा भी होगा, हो जाएगा. 24 में 16 आना है, आ जाएगा, टेंशन मत. अभी आज कितने 8 मैचेस हुए ना, और छोटे मैचेस बाकी है, उसके बाद देखते हैं, फिर बात करेंगे. वैसे तो ये इंपॉर्टेंट ही है हमारे लिए, ये स्काई स्पोर्ट्स भी, क्योंकि स्काई स्पोर्ट की आईपी ऐसी है कि उनके टूर्नामेंट में अगर आप क्वालिफाई होते हो ना, तो ही आपको इन्विटेशंस मिलते हैं. सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हम समझते हैं. एंड आई होप ये प्लेयर भी समझ रहे होंगे. अगर नहीं समझ रहे होंगे तो फिर अलग तरीके भी है समझाने के.